तो अब से 10-15 मिनट पहले यहाँ पर कुमारी सैलजा जी आई थी, तो वो बोल रही थी एक छोटी सी पार्टी है, एक अकेला आदमी है, अगर ये बन भी गया तो क्या करेगा, आप विपक्ष को मजबूत बनाओ, कांग्रेस को मजबूत बनाओ। कुमारी सैलजा जी ने तो कहा था इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे MLA इलाहाबाद के जिन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के हक में, और किसान आंदोलन है विश्वव्यापी, तो पूरे विश्व की नजर इस पे है। हेलो दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इलाहाबाद उपचुनाव चल रहा है और इलाहाबाद उपचुनाव की जो चुनावी यात्रा है उस चुनावी यात्रा के दौरान हम गांव-गांव के अंदर घूम करके ये देख रहे हैं, इस चीज का सर्वे कर रहे हैं कि किस पार्टी का क्या कुछ माहौल है। तो इसी प्रकार गाँव के अंदर घूमते हुए इनेलो पार्टी की महिला नेत्री मैडम सुनैना चौटाला जी यहाँ पर मिले हैं, तो इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। मैम जी नमस्कार जी। राम राम। तो क्या कुछ कहना चाहोगी, जो चुनाव चल रहा है जी, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए चुनाव में माहौल आज जो प्यार मिल रहा है इलाहाबाद से, जहां भी मैं जा रही हूँ हर एक मुझे इस बात से आश्वासन दे रहा है कि हम आगे से 4 गुना 3 गुना ज्यादा वोटों से आपको जिता के भेजेंगे। हर गांव से यही आवाज है, तो ऐसे इसके चलते मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि बहुत बड़े मैंडेट से अभय सिंह जी चौटाला जीत हासिल करने। जो लोग ये बात बोल रहे हैं आपके विपक्ष वाले कि उस इस्तीफा ही क्यों दिया था अगर दोबारा चुनाव लड़ना था, या तो चलो किसी और को टिकट दे देते। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल का ये चलन रहा है कि जो हल्के के लोग जिसकी डिमांड करते हैं उसी को टिकट दी जाती है, बेशक चाहे वो आम चुनाव हो, बेशक चाहे ये बाई इलेक्शन है। क्योंकि लोगों ने अभय सिंह जी चौटाला का नाम ही चौटाला साहब के सामने रखा कि भाई हमें यही कैंडिडेट चाहिए, और इस्तीफा देने की बात तो अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों के साथ खड़ा होना अपनी शान समझा, कुर्सी का उन्हें कोई लालच नहीं था। और जो लोग ये बात कहते हैं, मैं कहती हूँ कि इस तरीके से उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए और किसानों के साथ आना चाहिए था। तो दो कैंडिडेट थे जी जो पिछली बारी, एक ने 35,000 लिए थे, एक ने 45 लगभग, अब वो दोनों इकट्ठे हो गए और आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। चाहे दोनों नहीं, चाहे वो किसी को भी इकट्ठा कर लें, लेकिन ये इलेक्शन ये साबित कर देगा सामने वाले दोनों की जमानत जब्त करा के अभय सिंह जी चौटाला को जिताएंगे इलाहाबाद के। तो गोपाल कांडा जी हैं बीजेपी के, तो क्या कुछ कहना चाहोगी जो उनके बारे में, कैसे कैंडिडेट हैं? ये मैं नहीं, पूरा दुनिया ने देखा था जो गीतिका कांड हुआ था, और मैं कहूंगी कि इलाहाबाद की जनता के जितने भी मेरी माताएं बहनें मेरी जो बच्चियां हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि जो इंसान नारी की इज्जत नहीं कर सकता उसे वोट बिल्कुल ना दे, और जो उनका भाई है गोविंद कांडा वो उन्हीं का ही भाई है। विधानसभा में गोपाल कांडा बैठे हैं 2-3 साल से, कभी उन्होंने विधानसभा में किसी की आवाज उठाने का काम नहीं किया। एक कहते ना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, और कहते तो लोपा में हूँ लेकिन है वो बीजेपी के एजेंट। तो अब से 10-15 मिनट पहले यहाँ पर कुमारी सैलजा जी आई थी, तो वो बोल रही थी एक छोटी सी पार्टी है, एक अकेला आदमी है, अगर ये बन भी गया तो क्या करेगा, आप विपक्ष को मजबूत बनाओ, कांग्रेस को मजबूत बनाओ, तो उनके बारे में ये कुछ। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक एक 89 पे भारी पड़ता था विधानसभा का सत्र, इस चीज का प्रमाण एक ने आवाज उठाई है किसानों के लिए जब उन्होंने इस्तीफा दिया था अभय सिंह जी चौटाला ने। किसानों ने तो हर MLA से डिमांड करी थी, लेकिन साथ सिर्फ अभय सिंह जी चौटाला आए, 31 सीट के ऊपर कांग्रेस। मैं पूरी जनता से ये कहना चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने कि 31 सीट के ऊपर कांग्रेस अगर इस्तीफा दे देती तो आज हम 32 इलेक्शन कराने पड़ते। क्या आपको लगता है कि ये सरकार 32 करा सकती थी? जब एक इलेक्शन कराने में इनको इनके पसीने आए हुए हैं, 4-4 पैरामिलिट्री फोर्स उस कैंडिडेट के साथ इन्होंने लगा रखी है, 32 की 32 जगह में कैसे लगाती? मध्य अवधि चुनाव होते, ये सिर्फ कांग्रेस की ही देन है कि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर साथ आ जाते तो किसानों का भला हो जाता, लेकिन ये भला नहीं कर सकते क्योंकि 3 काले कानूनों की जनक कांग्रेस पार्टी रही है। इसलिए वो बस एक अपना कह रहे हैं ना, उनको तो कुमारी सैलजा जी ने तो कहा था इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था, उन्होंने एक कैंडिडेट अडॉप्ट किया है, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, ये एक बाहर से लाया हुआ अडॉप्टेड कैंडिडेट है। इतनी मजबूत अगर कांग्रेस थी, इतना ही मजबूत अगर विपक्ष था, तो अपने किसी नुमाइंदे को वो खड़ा करते।
सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जी, कृषि कानून है जो, जिसको लेकर के इस्तीफा भी दिया था। अब क्या लग रहा है जी, अगर यहाँ से अभय सिंह जी जीतते हैं तो उन चीजों का क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव अभय सिंह जी चौटाला का नहीं है, ना ये इंडियन नेशनल लोकदल का। ये चुनाव एक सिस्टम के खिलाफ एक आवाज है, जो किसान, कमेरा, मजदूर, व्यापारी, 36 बिरादरी की एकजुट होकर एक आवाज है। इस इलेक्शन को पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व इसको देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे MLA है इलाहाबाद के जिन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के हक में, और किसान आंदोलन है विश्वव्यापी, तो पूरे विश्व की नजर इस पे है। इलाहाबाद की जनता की आज जिम्मेवारी बनती है कि किसान को यहाँ से जिता के भेजें, ताकि एक लेसन दे सके पूरे दुनिया में कि जो किसान कमेरे मजदूर की बात करेगा वही लोगों के ऊपर राज करेगा। बड़े चौटाला साहब का कितना असर पड़ने वाला है? चौटाला साहब तो हमारे में, आप लोग कहते हैं बड़े चौटाला साहब, मैं कहती हूँ 87 साल के युवा है हमारे। आप उनके आज देखो हर जगह जाके जो उनका बात करने का, मैं तो कहती हूँ कि ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे लिए संजीवनी बोलती है। ठीक है जी, थैंक यू जी। जिंदाबाद।